राइड है, क्या ही कहूँ राइड के बारे में, क्या ही कहूँ कह मैं राइड के बारे में। और ये समंदर रेड सी, क्या ही कहने इसके बारे में। और ये खजूर के झाड़, नारियल के झाड़ जो हमारे आजू बाजू में लगे हुए में। देख सकते हो क्या चल रही है साइकिल ऐसे। तो अभी राइड करते करते हम लोग एक्चुअली में तारिक मलिक पर पहुंच गए हैं। साइकिल राइड, अपनी साइकिल राइड है ये, इसको जाने देते पहले। तारिक मलिक इज़ वेरी डेंजरस रोड है एक्चुअली में, यहाँ पे अलाउड नहीं है वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे सहूलत मिलेगी उस हिसाब से रोड क्रॉस करेंगे यहाँ पर। तो चले फिर साइकिल राइड पर आज की। देख सकते हो आप, काफ़ी सीन ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ का। देख सकते हैं ये है वो वॉक्स सिनेमा जेद्दा का, रेड सी मॉल में जो अटैच है। नवेल आगे आगे आ जाएं कृपया करके आप, तो ज़्यादा बेटर होगी पब्लिक को देखने और दिखाने के लिए यहाँ का सीनेरियो। वाह, ये दोनों साइड से जो ट्री है और बीच में जो रोड है, एक्चुअली में ये अलग ही मज़ा है और ये एक अलग ही फीलिंग दिलाती है ये सीन। क्या कहेंगे आप इस मामले में, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके कश्मीर का रोड हो। आपको साउंड से थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तो क्या है ना कि आवाज़ आई आपकी नोट हो जाएगी। ये साइड से चले, क्या कह रहे हैं आप नबील साहब? मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, मैं तो कश्मीर की याद दिला रही है। यस यस, वैसा है पेड़ इस तरह को। या या, बिल्कुल अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सिडको है, सिडको होल्डिंग जो कि रेड सी मॉल में अटैच है। और ये सिडको होल्डिंग और यहाँ जेद्दा की जो रेड सी इलाफ जो हमारी होटल्स हैं, वो भी आपको आज हम दिखाएंगे साइकिल राइड से ही। तो अभी यहाँ से फिर हम लोग रेड सी मॉल की तरफ घूमते हुए, जबकि आगे भी आप लोग पहले भी इस मेरी वीडियो में ये सब सीन आप देख चुके होंगे, इस बिल्डिंग का, इस टावर का। अभी बने रहे वीडियो में थोड़े पल के लिए और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जो हमारी होटलें हैं जेद्दा की, जिसमें हम लोग जॉब करते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये साइकिल राइड है इसकी, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाला है यहाँ का। तो देख सकते हैं ये है वो हमारी होटल जिसमें हम लोग जॉब करते हैं। देख सकते हैं आप, ये है इलाफ जेद्दा होटल रेक्सी मॉल। और इसकी ये मेन एंट्रेंस है, वहाँ दिखाता चलो मैं आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली में अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अंडरग्राउंड से जाएंगे। हलो वल्ला सलामत। चलो किधर पार्किंग में चलेंगे? तो फिर अभी हम अपने फ्रेंड से मिलाएंगे जो कि यहाँ पे सऊदी अरब में हमारे साथ में ही जॉब करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यस, स्टाफ इट्स वेरी 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 कैजुअल। या या, वेरी गुड, कैजुअल कैजुअल का लाइक ए गुड पर्सन। या या, नाइस पर्सनालिटी एंड गुड पीपल। दिस इज द फर्स्ट स्टाफ इन द होटल। या यू आल्सो वेरी गुड गाय। थैंक यू। इस लकल इन शो या और बिकॉज़ इन नफर इसमें हब बहुत ज्यादा और भी। हां जी, कैसे हो? कैसे से समझिए, कैसे हो? तो एक्चुअली मैं साइकिल राइड पे हम लोग निकले हुए हैं। अभी देख सकते हैं ये पार्किंग इलाफ की, रेड सी मॉल की जो पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। देख सकते हैं ये आप हमारे सामने। फिलहाल ये हमारे मुबारक की फ्रेंड है, जबकि बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप कुछ कहना चाहेंगे? تكلم شيء عربي لازم كلام عربي قال يا مرحبا حياكم الله يا ويلكم هذا مستر مبارك هذا مره جود جاي فيري نايس جود جاي والله ثانك يو
me also. Thank you very much. I well, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. काफ़ी आनंद लेते हुए इस सफ़र का जो कि हमारी साइकिल राइड है आज की। क्या कहने इस राइड के। साइकिल राइड आप लोग गाइस करके देखो, वाकई में साइकिल राइड राइड है, बहुत ही आनंद आएगा। और वैसे सऊदी अरब के अंदर हम लोग साइकिल राइड पे हैं आज। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था एक्चुअली में, तो वो जो मैंने आपको पहले जो मस्जिद दिखाया है, जो पुराने ज़माने की मस्जिद है, उसके अंदर ही मैंने एक्चुअली में यहाँ पे आते आते मेरे को जोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने जोहर का नमाज़ उसी में अदा की थी। यहाँ पे क्वारंटाइन पीपल को रखा जाता है, जो कोविड-19 में पॉजिटिव हो गए उन लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन किया गया है। देख सकते हैं आप समंदर के किनारे में, ये टेम्पररी इन लोगों के लिए, एक ऐसे टेम्पररी ये सब बना दिया गया है इन लोगों के लिए मकान, जिसमें इन लोग कोविड-19 में क्वारंटाइन होते हैं यहाँ पे क्वारंटाइन। आवाजान हो रही है। ये बिल्डिंग कितनी प्यारी लगती है अंदर से। अपार्टमेंट्स है। अच्छे वक्त पे हम लोग पहुँचे हैं अजान, देख सकते हैं मस्जिद के काफ़ी करीब हम लोग, जो समंदर के अंदर जो रहमा मस्जिद बनी हुई है, तो असर का जो वक्त हो चुका है, तो हम लोग हो सकता है आज असर की जो नमाज़ है इसी के अंदर अदा करेंगे। तो फिर बने रहे वीडियो में, और चले आपको फिर से आज मैं मस्जिद दिखाता हूँ अंदर का इंटीरियर। तो अब ये अंदर का सीन देखेंगे मस्जिद रहमा का। यही है वो मस्जिद रहमा जिसमें पिछली बार मैं आया था। एक्चुअली मैं इधर का सीन नहीं ले पाया था क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था एकदम परफेक्ट इसी टाइम पे, देख सकते हैं आप। बहुत मछली देखी नहीं अभी, 4-5 मछली एक साथ में कूद के गई यहाँ से लाइन से। चलो तो हम लोगों ने असर की नमाज़ फिलहाल अदा कर ली है। और एक्चुअली में ये जो कॉर्निस है वो फ़िलहाल क्लोज है, इसी वजह से वो साइड में जाना परमिशन नहीं है। काफ़ी मात्रा में खाली है यहाँ, देख सकते हैं। रेडिसन ब्लू ये होटल है ना। यस, देख सकते हैं काफ़ी सीन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। सनसेट होने में अभी काफ़ी टाइम है, जबकि यहाँ पे टाइम अभी हो गया है 4:35। भाई कॉर्निस को क्लोज कर दिया गया है तो फिर भी पब्लिक देख रहे हो, इसका मज़ा लेने के लिए ये साइड में रोड पे खड़े हैं। आज साइकिल राइड काफ़ी अच्छी है आज की। अच्छा, हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छी साइकिल राइड आज की गुजर रही है हम लोगों की फ़िलहाल। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा धूप का भी आनंद लेते हुए, और पूरा माइंड बॉडी सब फ्रेश हो गई है फ़िलहाल साइकिल से, साइकिल राइड में। क्या हो गया भाई, हॉर्न क्यों बजा रहा है, हम तो इतने साइड पकड़ के चल रहे। आंटी जी अचानक में आंटी ने गाड़ी को ये साइड कर लिया था, बट कुछ भी नहीं हो सका, हम लोग निकल गए। यही तो रिसोर्ट है वो जिसमें आप आए थे, ब्लाजो। यस यस, 500 पैक्स अवेलेबल एबिलिटी।
अयो यस ब्रो सिल्वर राडो अमेजिंग दिस इज द प्लेस ऑफ बेलाजो। एक साथ में 500 गेस्ट आ सकते हैं उसके अंदर, इतना स्पेस है बैंकेट के अंदर। अनसुटेबल डेंजरस स्विमिंग एरिया राइट नाउ। हे गाइस हाउ आर यू मैन गुड। काफ़ी अच्छा सीन यहाँ से देख सकते हैं आप, वो एक रिसॉर्ट है बेलाजो जो बहुत ही फेमस रिसॉर्ट है। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ, देख सकते हैं दीवार से गाड़ियाँ, कहीं ऊपर से एक्सीडेंट की है, कहीं अंदर से एक्सीडेंट की है, कहीं बाजू से ठोक दी है, और सारी गाड़ियाँ दीवारों के अंदर लटकी हुई है, दीवारों के अंदर लटकी पड़ी है गाड़ियाँ, देख सकते हैं। कितना ज़बरदस्त सीन है। बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो, आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो बाइक में पास लगा हुआ है, लेकिन जब वो मोबाइल का नज़दीकी जो रहता ना एरिया, तो कैसा लगा आपको ये आज का राइड? कैसा बेटर होगा क्योंकि वो साइड सनसेट है, सन का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। हाँ सही है। तो क्या कहना चाहेगा फादिल भाई आज के साइकिल राइडिंग में, कैसे लगा आपको राइड मेरे साथ? साइकिल राइडिंग वाकई में पूरे बॉडी को प्रेस कर दिया है, साइकिल राइड जो है पूरे बॉडी को प्रेस कर दिया, इतना अच्छा लग रहा है कि साइकिल राइड। तो मैं आप लोग को भी इन्वाइट करना चाहूँगा, जितना मैं अगर सऊदी अरब के अंदर हो, आपके पास बाइक हो या कार हो या ना हो, लेकिन साइकिल ज़रूर हो ताकि आप साइकिल राइड कर सकें और अपने पूरे बॉडी को रिफ्रेश कर सकें और साइकिल राइड का मज़ा ले सकें और इन्जॉय कर सकें। यही मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी इनवाइट करूँगा कि साइकिल राइड करें, चलाएं साइकिल और साइकिल का आनंद लें। और बताएं नवीन साहब, आपको क्या लग रहा है, कुछ बताएंगे उसमें इनवाइट दें? मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन आगे शुरता है। अच्छा दे दो मेरे हाथ में, पकड़ लेता हूँ। आज की साइकिल राइड वाकई में बहुत फ्रेश कर दिया हम लोग। आज की साइकिल राइड के बारे में मैं बताऊंगा। नारियल ले लो, नारियल ले लो। ये वो पेड़ है और ये नारियल, ये नारियल के हमें मिला है, इसमें चेक करते क्या पानी है मालूम नहीं, कुछ है कि नहीं, कच्चा तो नहीं है, बच्चा ही क्या देखो। क्या ये नारियल बच्चा है, अच्छा है या कच्चा है? कच्चा है, कच्चा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे उसमें उसमें रख लेते हैं बस ऐसे अपने लिए। हाँ जूता आ रहा है, ओके। हाँ हाँ, जो आपने नारियल उठाया आदिल भाई, तो क्या क्या हुआ आपको नारियल जो है मिला, इसमें कुछ मिला? नारियल एक्चुअली में नारियल जो मिला ये साइड से आप आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप वो साइड आए, नारियल में नारियल जो मिला एक्चुअली में जो आज का नारियल हमें इस पेड़ में। और ये पेड़ की मैं आपको इस रोड की खासियत बताता हूँ, जब हमने यहाँ पे जॉब करा था ना ये साइड में जी होटल के अंदर, तो यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं थे, ये पूरा रोड था जी। और वो जो पानी, जो कॉर्निस का जो पानी है समंदर का जी, वो पानी जहाँ ये रोड तक आता था, वो साइड का जो रोड है ना जी, वो रोड तक पानी आता था पूरा। लेकिन जब ये कॉर्निस को बनाया गया तो रोड को पूरा कवर करके मट्टी डाल के भर के वहाँ तक के भर दिया है। और ये सारे पेड़ जो जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं, ये सारे पेड़ रेडीमेड पेड़ है। अच्छा, जो कि वहाँ से ला के लगाया गया, जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ एक भी पेड़ नहीं था यहाँ पे, ये सारे पेड़ रेडीमेड पेड़ है जो वहाँ से ला करके लगाया गया इधर। आगे में कितना अच्छा सीन है देख सकते हैं आप नाइट में, और भी बहुत प्यारा लगता है यहाँ का जो सीन नाइट में होता है, बहुत ज़बरदस्त सीन लगता है। यहाँ पर आकर के आपको बॉडी माइंड सब फ्रेश हो जाएगा, काफ़ी फ्रेशनेस महसूस करेंगे आप गाइस डेली। तो आप बने रहे वीडियो में, देखते रहें, ऐसी वीडियो बन रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ओके में ज़बरदस्त वीडियो बन रहा है। तो यही वीडियो जो होगा वो आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। ये वीडियो वाकई में बहुत ज़बरदस्त, साइकिल का भी आप ले ले देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में ये जो रोड बनी हुई है खास साइकिल राइड करने के लिए ही बनी हुई है और जॉगिंग करने के लिए बीच में, जबकि देख सकते हैं आप दोनों साइड गाड़ियाँ जा रही है, दोनों साइड गाड़ियाँ जा रही है, बाकी जो ये जो है वॉकिंग के लिए और साइकिल राइड के लिए, ये रोड जो बीच में बनी हुई है काफ़ी दूर तक अवेलेबल, मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर पर आ रही जा रही है।
थोड़ा धीरे चला, थोड़ा धीरे चला। तो अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए, अपने हेल्थ को गाइस फिट रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि ऐसे राइड पर निकला करें ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। जैसे आपके डे ऑफ हो, छुट्टी हो, यहाँ सऊदी अरब गल्फ कंट्री में कहीं भी, तो अपने आप को फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी राइड पर निकले। साइकिल राइड, वॉकिंग राइड, मोटर राइड, कार राइड, कुछ भी चलेगा, लेकिन फ्रेंड दोस्तों के साथ में अपने टाइम को गुजारे जब आपका डे ऑफ हो। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग का आज ऑफ है, तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। दो ही जने, मैं और नबील हूँ बस। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड नबील ही इज़ फ्रॉम कश्मीर। जबकि गुलमार्ग, डेनमार्क, सोनमार्ग माई फेवरेट प्लेसेस इन कश्मीर। सो इन द फ्यूचर वी आर इंशाल्लाह, वी रीच देयर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। मैं जाऊँगा 110%। मुझे अभी फुल कॉन्फिडेंस है कि नबील आपने वीडियो बहुत अच्छा शूट किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने वीडियो बहुत ही प्यारा शूट किया है। वाकई में हमारी पहली साइकिल राइड थी, ठीक है? यस, दो ढाई सालों में। हाँ बिल्कुल, भाई के साथ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ यहाँ पे राइडिंग करके। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे ना इंसान एक्चुअली बोर हो जाता है, बोर हो जाता है, जैसे कि करने को मन करता है। बेशक, तो सीरियसली थोड़ा आगे जाएं आप, थोड़ा आगे जाएं, तो क्योंकि बहुत क्लोजअप पिक्चर आ रही है। सीरियसली आप बातें करें, वो देख रहे हैं नारियल का, जो हमको, हम लोग को जो नारियल मिला है वो साइकिल के ऊपर हैंग कर लिया गया है। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? तो मैं कह रहा था ये आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल। बॉडी फ्रेश हो गया, बॉडी फ्रेश हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, बहुत मज़ा बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग सऊदी अरब में बाहर कंट्री में कहीं भी रहते हैं, तो आपको ज़रूरी कि आप, जैसे आप लोगों का ऑफ हो, तो आप लोग को ज़रूरी है कि कुछ इस तरीके से। अच्छा बताओ, अगर आप बाहर सऊदी में या किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, बिल्कुल, तो सबसे मेन बात आप याद रखिएगा प्लीज, कि अपने आप को खुश कैसे रखें। बेशक, कि आपने अपने आप को एंटरटेन कैसे करें। बेशक, वो बहुत बड़ी बात है और आप बीमार भी नहीं हो जाओगे। बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा नबील आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर आप बाहर कंट्री में, यूरोप कंट्री में, गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब, जद्दा, कतर, कुवैत, ऐसा कहीं भी आप रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपके डे ऑफ हो, तो आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ऐसी जगह पर जाया करें जिससे क्या हो गया आपका इंटरटेन। अब साथ में चले आज की जो साइकिल राइड है, देख सकते हो पसीना आ रहा है, फेस तो ब्लैक ब्लैक हो गया धूप लग के, कोई बात नहीं, लेकिन जो इस सफ़र का जो मज़ा है वो उस धूप से कोई असर नहीं हो रही है। और इस टाइम की जो हवा चल रही है, और वो साइड में समुंदर है, एक्चुअली में समुंदर जो कॉर्निस लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो फिलहाल हम लोग इस राइड का मज़ा लेते हुए देख सकते हैं। साइकिल में काफ़ी आनंद आ रहा है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को गाइस, कितना आनंद कर रहे हैं हम लोग, कितना चिल कर रहे हैं, कितना चिल कर रहे हैं, क्या ही बताऊँ, बताने के लिए कुछ शब्द नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ बोलते जा रहा हूँ। हेलो सर, सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? गुड, थैंक यू, व्हेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, मुंबई सर। मुंबई? यस सर। गुड सर, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू सर। दिस वी आर एंजॉयिंग वेरी नाइस दिस साइकिल राइड वल्ला, सो इंशाल्लाह वी गोना, यू मस्ट चेंज योर क्लाउड्स। या या, राइट सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। पिक्चर सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम यूट्यूबर सर। या ओके सर, थैंक यू, आई विल टेक, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आज की जो राइड है, क्या ही कहूँ राइड के बारे में, क्या ही कहूँ कम है राइड के बारे में। और ये समुंदर रेड सी, क्या ही कहने इसके बारे में। और ये खजूर के झाड़, नारियल के झाड़ जो हमारे आजू बाजू में लगे हुए, मेरे साइड में ले लो ये देखो, वाह क्या ही कहने, ऐसा लुत्फ़ उठा रहे हैं जैसा फील ही नहीं हो रहा है कि सऊदी अरब के अंदर है। वाकई में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह गाइस, आप लोग से भी इनवाइट करूँगा कि आप लोग हम लोग से मिले, हम लोग के साथ में इनवाइट इस तरह से इंजॉय करें और मज़े लें सारे प्लेसेस के, और सारी जगह देखें आप। सऊदी अरब कितना खूबसूरत है वाकई में, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग इन सऊदी अरबिया राइट नाउ, इट्स वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर, इंशाल्लाह वी आर वेरी रिच, वेरी सून वी आर रिच इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में ऐसे जो मोटो ब्लॉगिंग्स करेंगे, ये जो साइकिल राइड कर रहे हैं, वो इंडिया में जाने के बाद मोटो ब्लॉगिंग्स होगा, एक्चुअली में वो मोटो ब्लॉगिंग्स होगा गाइस। बस थैंक यू वेरी मच नवीन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी जर्नी रही आज दिन की, तो इंशाल्लाह आगे भी बनाते रहेंगे इंटरेस्टिंग।
ऐसे ही इंशाल्लाह जब हम कश्मीर जाएंगे दोनों आदिल भाई और मैं हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बेशक बस सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को और आपका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, ऑलवेज नीड योर सपोर्ट भाइयों। यार रोड पे आज साइकिल राइड करते हुए कुछ एक परिंदे हैं, देख सकते हैं आप, जाके खून से लाल लाल हो गया, तो इसको क्यों ना उठा के साइड में कर दिया जाए। भाई देखो आप लोग है, कोई बात नहीं, चलो इसको मिट्टी में रख देता हूँ। देख सकते हैं ये कौवे परिंदे चरिंदे उसका इंतज़ार कर रहा है। भाई उठा के वहाँ पर रख दिया हो, अभी आप लोग को तकलीफ़ कम होगी शायद मेरे ख्याल से। चलो देख सकते हैं, चलिए एक नेकी काम कर दिया गया। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो पुलिस की वैन है सिक्योरिटी देते हुए पब्लिक गवर्नमेंट को यहाँ से देख सकते हैं आप। ओ बाइक जा रही, ओ हो किधर? हाँ यस, वहाँ से टर्न मार देंगे अभी। वाह व्हाट अमेजिंग मैन, यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग को जिद्दा में अगर रेड सी साइड में अगर आते हैं तो डॉल्फिन शो होता है ना, अभी यहाँ पे डॉल्फिन शो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। किसी दिन वक्त मिलेगा तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। जिद्दा का ये जो इसके अंदर डॉल्फिन शो होता है वगैरह, स्विमिंग पूल भी है अंदर। देखो बस, यस यस, इधर ही अंदर डॉल्फिन शो होता है वहाँ पे। हाँ बंद है अभी, देखो ऐसे शो चलते हैं इसके अंदर। फकी एक्वेरियम, हेलो ब्रो, तो अभी आज का जो सफ़र है साइकिल राइड, फ़िलहाल अभी यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे आगे से वो कॉर्नर से, वो जो टफरी दिख रही है वहाँ से कुछ पानी की बॉटल ही लेते हैं और वहाँ से ये राइड आज की कैंस यानी कि यू टर्न लेने का वक्त आ गया है। देख सकते हैं अभी टाइम यहाँ पे कुछ 5:25 हो चुका है। और यहाँ पे वाटर किंगडम है जिद्दा का, ये एक वाटर किंगडम है जिद्दा का, वाटर किंगडम जैसा देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी काफ़ी शो होता है इसके अंदर में और काफ़ी डिज़ाइन के काफ़ी अलग अलग शो चलता है अंदर। देख
देख सकते हैं आप लोग, देखे और मजा ले, लुत्फ उठाए रास्तों का, रोड का, सफ़र का, जैसे हम लोग इंजॉय करते हुए। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, यहाँ से पानी की बोतल लेंगे और यहाँ से यू टर्न मारेंगे। सिक्योरिटी है वो अभी हमें उठा दी है क्योंकि एक्चुअली में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्लोज है ये एरिया।